الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. आज यहां से पढ़ा गया था सूरह नूर इस आयत से। इससे पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जो इल्जाम लगाया गया, इस वाकये का जिक्र किया गया, वाकया इश्क का, जो कल के बारे में गुजर चुका है। तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ये चाहते हैं कि अहले ईमान में फहश और बेहयाई आम हो जाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। तो उस जमाने में भी ये चाहते थे लोग कि अहले ईमान के मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए, फहश और बदकारी आम हो जाए। और इसी उनकी ख्वाहिश ने उनको हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने की तरफ उकसाया। एक वाक़े को उन्होंने बुनियाद बनाया, उससे हमें तफसील में नहीं जाना है, जो कल के बारे में गुजर चुका है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया, कुरान मजीद ने आपकी बराअत पाकदामनी पर मोहर लगा दी। और फिर फरमाया कि जो लोग अहले ईमान में फहश को, बेहयाई को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब दुनिया और आखिरत में। आज भी दुनिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारी कौमें और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अहले ईमान के अंदर फहश और बेहयाई को आम करना चाहते हैं। गाना बजाना, अक्सो सुरूर, डांस और नीम बरहना करना, ये मोबाइल के ज़रिए से, फिल्मों के ज़रिए से और टीवी के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से और लिटरेचर के ज़रिए से अहले ईमान के अंदर फहश फैलाना चाहते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। आजकल तो जो मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ इस्लाम में वहाँ भी उन्होंने ये फवाहिश के अड्डे वहाँ भी उन्होंने कायम कर दिए। अरब के अंदर, सऊदीया के अंदर फहश के अड्डे, क्लब, डांस क्लब और फिल्म की जगह, फिल्म के मराकज़, गाने बजाने, रक्स सुरूर के ख़ास मरकज़ इस्लाम में इस मगरिब ने और इस यूरोप ने वहाँ कायम कर दिए। तो अल्लाह तबारक व ताला मैं आगाह फरमा रहा है कि ये अहले ईमान के अंदर ये लोग फहश हम करना चाहते हैं, चौकन्ना रहना चाहिए हमें, और इनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब होगा दुनिया और आखिरत में भी। अल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और हम अपनी गफलत में मस्त हैं, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि दुनिया की क्या साजिश है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हिजाब का निज़ाम अता फरमाया है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने जो पाकदामनी के जो असबाब हमें अता फरमाए हैं, जो पाकीज़गी और तकद्दुस अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए से हमें दिया है, उसको ये छीन लेना चाहते हैं। इस चादर को, इस इफ़्फ़त की चादर को हमारी औरतों से छीन लेना चाहते हैं। आज भी ये आवाज़ हिंदुस्तान में भी उठ रही है और पूरी दुनिया में यही इनकी साजिश है, यही मकसद है, यही एम है कि ये बरहंगी और औरियानियत
और फहश और नंगापन अहले ईमान में आम हो जाए। कुरान मजीद ने कितने दिन पहले ये बात कह दी है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल-फाहिशतु, कि जो लोग चाहते हैं कि फहश आम हो जाए, आम हो जाए, बाकायदा शाय यशीउ, शाय होना, आम होना, अहले ईमान में आम हो जाए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह यालमु वअंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो ये बात एक मौजज़ाना है कि अल्लाह ताला जानता है ये कि इनकी क्या साजिश है, और तुम नहीं जानते हो इनकी साजिशों की गहराई और दूर रसी और इसके नतायज किस कदर संगीन होंगे। तो तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए। फिर फरमाया वला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहू वअन्नल्लाहा रऊफुर रहीम, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत ना हो, और अल्लाह ताला रऊफुर रहीम है तुम्हारे ऊपर, अगर ये ना हो तो तुम्हारा तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद बाकी ना रहे। और ये इस फहश के जरिए से तुम्हें उम्मत की हैसियत से ख़त्म करते हो। ये यही जब आम होती है, यही रक्स सुरूर की चीज़ें, यही गाना बजाना, यही औरियानियत आम होती है, तो फिर उम्मत बर्बाद हो जाती है। आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल, ताउस व रबाब आखिर, ताउस जैसा नाच नाचना और रबाब बांसुरी बजाना, ये जब उम्मत में आ जाता है तो वो उम्मत का जवाल हो जाता है। और जब शमशीर व सिना से खेलती है, तीर व तलवार और तफंग से उम्मतें खेलती हैं, तो वो तरक्की करती हैं। अल्लामा इक़बाल ने पूरी तारीख इस शेर के अंदर बयान कर दी है। तो उम्मतों की तारीख क्या बताती है कि जब वो जफाकश होती है, मेहनत शिआर होती है, तो फिर वो तरक्की के बामे उरूज पर पहुंचती है। और जब वो आशिक हो जाती है जुल्फों की और दिलदादा हो जाती है गाने बजाने की, डांस की, गानों की, फिल्मों की, तो फिर वो बर्बाद हो जाती है। और ये लोग तो दुनिया वाले तो फहश फैलाना ही चाहते हैं अहले ईमान के अंदर, युहिब्बूना अन तशीअ अल-फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु, और इनको अल्लाह ताला सज़ा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है तुम्हारे ऊपर कि तुम बचे हुए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ ख़ुत्वाति शैतान, फिर अल्लाह ताला हमें मुखातब करके क्या फरमा रहा है, ईमान वालों शैतान के नक्श कदम पर मत चलना, शैतान के नक्श कदम पर मत चलना। ये सब शैतान करवा रहा है, वो शैतान के चेले हैं, शैतान के एजेंट हैं, जो अहले ईमान में ये बुराइयाँ और ये अखलाकी अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो शैतान के एजेंट हैं। तुम शैतान के नक्श कदम पर मत चलना। उमैय तबे खुतवात शैतान, और जो शैतान के नक्श कदम पर चलेगा, فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, वो तो यही फहश का हुक्म देगा और यानियत फैलाएगा, बुराइयों का हुक्म करेगा। यही तो किया जा रहा है। हमारे खुद अहले इस्लाम में ऐसे मुनाफिकीन पैदा हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये सब तो ये रास्ते की तरक्की का रोड़ा है, तरक्की के रास्ते में रोड़ा है, ये पर्दा है, ये हिजाब है, ये सारे अहकाम हैं जो इस्लाम ने इज्जत की हिफाजत के लिए दिए है, उसको वो रोड़ा समझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है जैसी दुनिया आदि बरहना हो रही है, वैसे ही मुसलमानों को भी तरक्की के रास्ते पर आना चाहिए, यही तरक्की है। तो ये शैतान के नक्श कदम पर चलने वाले लोग यख़्मुरु बिल्फहशा, ये फवाहिश का और बेहयाई का हुक्म करते हैं, वल मुनकर और बुराइयों वो फैलाने की कोशिश करते हैं। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु, और अल्लाह का तुम पर फजल और उसकी रहमत ना हो, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई कभी वो साफ सुथरा ना हो सके, यानी सब इसमें मुलव्वस हो जाए गंदगी के अंदर। तो अल्लाह ताला का जिस पर फजल होता है वो बच जाता है। तो जो ज्यादा चला जाता है शैतान के नक्श कदम पर, फिर वो गंदगी में पड़ जाता है, वो गंदे तालाब में वो सर तक, सर से पैर तक पूरा डूब जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह का फजल है जिन अहले ईमान पर वो बचे हुए हैं, वो पाकीज़गी की फजा में सांस ले रहे हैं, कोई पाकीज़ा ना हो अहले ईमान के अंदर। ये लोग तो ये चाहते हैं बस अल्लाह ताला के फजल व करम से कुछ रमक बाकी है और कुछ तकद्दस और कुछ इफ़्फ़त और इज्जत का लिहाज बाकी है, तो अल्लाह का फजल है।
वरना तुम में से कोई मुजक्का और मुसफा ना रहे, कोई साफ सुथरा ना रहे। वलाकिन अल्लाह युजक्की मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो साफ करता है, पाकीजगी अता फरमाता है। वो ईमान के जरिए से जो शैतान से बचने की कोशिश करता है, जो इन अहले कुफ्र और अहले निफाक की चालों से अल्लाह ताला की पनाह में आता है, तो अल्लाह ताला अपना फजल उन पर फरमाता है और अल्लाह की रहमत होती है, वही साफ सुथरा होता है। तो जो कुरान के साये में आ जाएगा, जो ईमान के साये में आ जाएगा, वो तो सफाई फजा में साथ लेगा, मुअत्तर होगा उसका दिलो दिमाग, उसका कल्ब। वरना तो आजकल जो दुनिया में जहर आलूद फजा है, जो बेहयाई है, जो फहश है, जो अखलाकी बिगाड़ है, वो बिल्कुल आम है और उसमें सब लोग डूबे हुए हैं। अल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। आगे कुरान ने क्या फरमाया, वला यक्तले उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अय्युतू लिलक़ुरबा वलमसाकीन वलमुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم। हजरत अबू बकर सिद्दीक की लखते जिगर की हजरत आयशा, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। अब मुनाफिकीन की तो यही साजिश थी कि अब अहले बैत हुजूर के घर वालों के अंदर यानी ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये बदकारी में पड़ गए, तो बदकारी आम करना चाहते हैं ताकि फिर बदनाम हो। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो बदकार हैं नहीं, लेकिन उनके बारे में बदकारी की बातें आम हो जाएं, ये बदगुमानियां भी फैलाना चाहते हैं। तो अहले निफाक ने ये किया था, उसमें कुछ सीधे साधे कुछ मुसलमान भी आ गए थे बेचारे, उनके सुनने में वो भी कहने लगे थे, यानी हजरत आयशा के इस इल्ज़ाम के बारे में वो भी जबान पर ले आए थे अपनी बात। उसमें फिर उनको कोड़े लगाए गए थे, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा देता है किसी पाकीज़गा औरत पर उसके 80 कोड़े लगते हैं, कुरान मजीद ने यह हद मुकर्रर की। उसमें मिसबाह इब्ने असासा एक सहाबी थे, तो वो भी इसमें पड़ गए थे और उनके साथ भी ये बात पेश है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत नाराज हुए, और ये उनके रिश्तेदार थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और इनको ये खर्च देते थे, गरीब थे वो, इनको कुछ इमदाद देते थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। तो जब ये बात मालूम हुई कि ये भी इसमें मुलव्वस हो गया है मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने में, तो इन्होंने कसम खा ली कि मैं अब इस पर खर्च नहीं करूँगा, इमदाद रोक लेता हूँ मैं। कुरान मजीद ने क्या कहा, वला या तली उलुल फ़ज़्ल, कितना दरिया दिल बनाना चाहता है कुरान मजीद, कितनी बड़ी बात थी, बच्ची पर इल्ज़ाम लगा दिया उनकी लखते जिगर पर। कुरान मजीद ने लेकिन क्या कहा, जो अल्लाह के फजल से जो दौलतमंद हैं, उलुल फ़ज़्ल वसअती, जो कुशादगी वाले हैं, जिनके पास मालो दौलत है, इसका मतलब अबू बकर सिद्दीक मालदारों में थे, तो जो अहले दौलत हैं, अहले फजल कमाल हैं, अहले गुंजाइश और अहले वसअत हैं, वो कसम ना खाएं के वो रिश्तेदारों को दें और मिस्कीनों को दें, उनको ना देने की कसम ना खाएं। वल मुहाजिरीना, और जो हिजरत करके आए हैं अल्लाह के रास्ते में, उनको ना देने की कसम ना खाए। वली आफू, माफ कर देना चाहिए, वली अस्फहू, दरगुजर कर देना चाहिए। हो गया, बेचारे पड़ गए, माफी मांग ली उन्होंने, सजा भी मिल गई उनको। मुनाफिकीन तो वो तो है ही, वो तो तौबा भी नहीं करेंगे, उनका तो काम ही यही रहेगा, लेकिन ये कुछ भोले भाले मुसलमान, इनसे तो गलती हो गई थी, तो इन्होंने तो तौबा कर ली है, तो माफ कर देना चाहिए। किस कदर दिल गुर्दे की बात है इसको माफ करना, लेकिन कुरान मजीद कह रहा है माफ कर देना चाहिए, दरगुजर से काम लेना चाहिए। आगे कितनी बढ़िया बात फरमाई, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, और अल्लाह गफूर रहीम। ये बात तो अब हर गुनाह पर माफी पर उकसाती है और आमादा करती है, इतना ही बड़ा कोई कसूर कर दे, अगर माफी मांग लेता है शर्मिंदा हो जाए, माफ कर दो यार, भूल जाओ, तुम माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, तुम कितने बड़े गुनाहगार हो, कितने बड़े मुजरिम हो, तो अल्लाह के बंदों को तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है, बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। जो लोग पाक दामन भोली भाली
मोमिन खवातीन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लुइनु अल्लाह की फटकार हो, और अल्लाह की फटकार होगी उन पर और हो गई दुनिया और आखिरत में, वो अल्लाह की तरफ से लानत बरस रही है उनके ऊपर, लानत बरसेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, पास्ट टेंस, लानत बरस गई है उनके ऊपर दुनिया में भी और आखिरत में। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बुरी बात है, किसी पर इज्जत पर इल्ज़ाम लगाना, इज्जत पर किसी के खिलवा अपनी जबान खोलना और उस पर तोहमत लगाना, दरोगोई करना, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह की फटकार हो उनके ऊपर दुनिया और आखिरत में, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, यौम तशहदु अलैहिम, जिस दिन के उनके खिलाफ उनकी जबान गवाही देगी, वा अईदीहिम, उनके हाथ गवाही देंगे, उनके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यअमलून, जो कुछ वो करते थे, यौम अईदीहिम वक्तीहुम अल्लाहु दीनहुमुल हक, उस दिन अल्लाह ताला उनको उनके सही सही उनकी सजा और जजा पूरी पूरी दे देगा अल्लाह तबार, जिसके वो मुस्तहिक हैं वो पूरी पूरी दे देगा, अच्छे काम किए होंगे तो अच्छे, और ये सब जो बुरे काम कर रहे हैं ना ये लोग, इन सब की सजा उनको मिलेगी। वयअलमून अन्नल्लाहुल हक्कुल मुबीन, और वो जान लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला वो बरहक है, और अल्लाह तबारक व तआला वो अपनी ज़ात के एतबार से बिल्कुल वाज़ह है, और अल्लाह ताला ने जो वक्त फरमाया था वो बरहक साबित हो गया, सबके सामने अश्करा हो गया। अल खबीसातु लिल खबीसीन, और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों को अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती हैं, वल खबीसून लिल खबीसात, अल खबीसातु लिल खबीसीन, बदकार और गंदी औरतें गंदे मर्दों के हिस्से में आती है, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए होते हैं, और तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और पाकीज़ा ख़वातीन पाकीज़ा मर्दों को मिलती हैं, और तय्यिबून, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों को मिलते हैं। तो ये बात बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने अल्लाह के बरगुजीदा हैं तो उनकी बीवी ये कैसे कर सकती है, ये गंदगी में कैसे मुब्तला हो सकती है, वो तो पाक साफ हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम है वो। उलाइक मुबर्रऊना मिम्मा यकुलून, ये अहले ईमान पाकीज़ा लोग जो वो कह रहे हैं उनसे बिल्कुल बरी हैं, बिल्कुल धुले हुए हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है और अच्छा रिज़्क़ है जो आखिरत में उनको दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले कुफ्र अहले निफाक की साजिशों से और उनके फितनों से और इनकी बेहयाई की स्कीमों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.